सो गाइस, हम लोगों ने बगलामुखी देवी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप सबको भी मैंने दर्शन कराए और अब हम लोग जा रहे हैं भूरा देव के दर्शन करने। उसके बाद हम लोग जाएंगे माँ शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ के मंदिर, जो कि मेन मंदिर है। देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है सामने, इन्हीं बोर्ड्स काफ़ी बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो इसी के डायरेक्शन हम चलते चलते जाएंगे। कुछ ही किलोमीटर दूर है भूरा देव मंदिर, तो चलिए चलते हैं। मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं और मंदिर के जस्ट सामने ही हमें लोगों को पार्किंग दिख गई, तो हम लोगों ने फटाफट से कार को पार्क कर दिया है। आप लोग भी मंदिर के सामने ही जस्ट पार्किंग है, ये देखिए, ये वो रहा मंदिर और ये पूरी पार्किंग है। काफ़ी बड़ी जगह है, तो आप चाहे छोटी गाड़ी से आएँ चाहे बड़ी गाड़ी से, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो गाइस, मंदिर के सामने ही आपको ऐसी तमाम दुकानें दिख जाएंगी जहाँ से आप चढ़ावा ले सकते हो, और अलग अलग प्राइस है चढ़ावे का भी, तो आपकी श्रद्धा अनुसार आप चढ़ावा लीजिए। और यहीं पे आप अपनी स्लीपर्स को उतार दीजिए, वरना अपने गाड़ी में ही छोड़ दीजिए स्लीपर्स को, और यही लोग आपके हाथ धुलवा देंगे, जैसा कि आपने देखा अभी। गाइस, हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए भूरा देव देवता के। और अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट शाकुंभरी देवी मंदिर, जो कि मेन मंदिर है वहाँ पे। और ये देखिए पूरा व्यू है ये मंदिर का, हम बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आप लोग ज़रूर आइए, और मंदिर के सामने ये सारी शॉप्स हैं और लोगों की भीड़ टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है। हम लोग सुबह सुबह जल्दी आ गए थे, इसलिए अच्छे से दर्शन हो गए, वरना यहाँ पे दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है।